is 6:58 a.m. तो यार अभी आप लोग ने यहाँ पे टाइम देख लिया होगा और अब होता है अपना यहाँ पे चैलेंज स्टार्ट। अब चलो हम लोग फटाफट से इस इग्लू के अंदर चलते हैं और उसके बाद में यार इसके अंदर से हम लोग निकलने वाले हैं पूरे 24 घंटे बाद। आप लोग यहाँ पे अंदर का लुक देख सकते हो, बाहर से कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। इसके अंदर हमने जो है जरूरत का अपना सारा सामान रख लिया है, आप लोग एक बार पास से देख सकते हो। थोड़ा बहुत सामान इसके अंदर जरूरत का और बाकी की इसके अंदर की जो डेकोरेशन है और जो सजावट सब कुछ हम लोग अभी बाद में करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में पूरा आखिर तक जरूर से बने रहना और इस आइडिया के लिए फटाफट से वीडियो को एक लाइक कर दो। और हम चलते हैं फटाफट से अंदर और अंदर का सारा काम फिनिश करते हैं और फिर उसके बाद में हम लोग अंदर ही यहाँ पे पूरा 24 घंटे तक रहने वाले हैं, इससे बाहर नहीं आएंगे। इसके अंदर खाना पकाना हर कुछ सामान है, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो पूरा एकदम कबाड़ा हो रखा है, बाकी यहाँ पे सारा सामान आ चुका है, बस इसे अच्छे तरीके से अब सेट करना है। तो चलो फटाफट से हम लोग जो है इन सभी सामान पूरा सेट करते हैं अपनी अपनी जगह पे और फिर उसके बाद में जो है इस इग्लू को फटाफट से जो है डेकोरेट करते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे ढेर सारी लाइटें भी हैं जिससे डेकोरेट करने वाले हैं। तो चलो आप लोग वीडियो में पूरा आखिर तक बने रहो और हम लोग जो है फटाफट से करते हैं टाइम लैप्स। लोग अभी हमारे इस इग्लू के अंदर यार थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस जो वो बन चुका है, हमने यहाँ पे सारा सामान जो एकदम साइड में करके मस्त तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस तो बना लिया है और वहाँ पे एक टीवी भी लग गया है और उसके नीचे यहाँ पे एक वूफर भी सेट हो गया है। लेकिन यार अब बारी है इसके अंदर लाइटिंग करने की, क्योंकि यार बिना लाइटिंग के तो यहाँ पे मज़ा नहीं आने वाला है। तो इसीलिए यार हमारे पास में यहाँ पे ये पूरी दो लड़ी जो है लाइटिंग की है। अब इसे चलो फटाफट से हम लोग जो है इसके अंदर पूरा रैप करते हैं और फिर उसके बाद में जो है मस्त तरीके से लाइटिंग करते हैं। 2000 years later. तो भाई लोग हमने जो अपने इस इग्लू को एकदम फुल मस्त बनाने की कोशिश की है, यहाँ पे हमने लाइटिंग वाइटिंग का सारा सेटअप एकदम मस्त तरीके से कर दिया है और यार उसके बाद में हमने इसके अंदर एक टीवी भी लगाया है। उधर देखो उधर वहाँ पे हमने जो है ना गर्मी के लिए एक कूलर भी लगाया है जिससे बाहर की हवा जो है ना वो अंदर आती है मस्त तरीके से। नहीं तो यार ये जो हमारा इग्लू है ना ये इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि इसके अंदर यार रुक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता होगा जो इस तरीके के शेप में जो इग्लू बनता है ना वो ठंड से बचाने के लिए होता है और हम लोग यहाँ पे गर्मी में इग्लू बना लिए हैं तो ये ऊपर से और गर्म हो जा रहा है। तो इसीलिए वहाँ पे जो है एक फ़ैन हमको लगाना पड़ गया और उससे जो है मस्त इसके अंदर जो है ना ठंडी ठंडी हवा आती है। 24 घंटे इतनी छोटे स्पेस में रुकना है तो यहाँ पे इंटरटेन के लिए भी थोड़ी बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अंदर है पानी और इधर साइड में है कुछ खाने पीने की चीज़ें, ये बैग इसके अंदर पूरा खाने पीने का सामान और थोड़ा बहुत कुछ ज़रूरत का सामान रखा है और इसके अंदर है सारी वायरिंग्स का सामान और क्या है भाई, और ये है हमारा लोग का देसी चूल्हा। तो यार इसके अंदर हम लोग मैगी भी बनाएंगे वो भी चूल्हे पे। इसके अंदर यार सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे आग लगा लिए तो इसके अंदर से इतना ज़्यादा यहाँ पे धुआं होगा और धुआं जो है ना इसके अंदर पूरा भरने वाला है तो उससे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी हमको लोग को। तो चलो बाद में जो होगा तब देखेंगे, अभी तो इसे फिलहाल रखते हैं साइड में। इसकी वायरिंग हमने जो है ना यहाँ पे सब इसके नीचे से कर दिया है, अगर रात को कोई सोता रहेगा ना भाई अगर कहीं टच करके तो उसको भैया तो एकदम मज़ा आ जाएगा। वैसे रात में हम लोग ये सब निकाल लेंगे सोते वक्त। Nice. तो भाई लोग हमने ये जो मिट्टी वाला इग्लू बनाया था यार इसके अंदर अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आप लोग यहाँ पे चेहरे से अंदाज़ा एक बार लगा सकते हो इसमें कितनी तगड़ी वाली गर्मी है। शर्ट की हालत देख लो पूरी यहाँ से जो है गीली हो चुकी है और अभी तक यार हमने यहाँ पे कुछ भी खाना वाना अपना कुछ भी नहीं बनाया है। बस सुबह हम लोग घर से थोड़ा बहुत खा कर आए थे और उसके बाद में थोड़ा बहुत कुरकुरे और वेफर से जो हम लोग थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिए थे। उसके बाद में यार अभी दोपहर हो गई है और अभी तक हमने कुछ भी नहीं बनाया है क्योंकि यार इसके अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी है और फिर से आग जलाने का यहाँ पे मन नहीं कर रहा है क्योंकि अगर आग जलाएंगे तो और भी गर्मी होगी और प्लस यहाँ पे धुआँ भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो यार हम लोग यहाँ पे इन्वर्टर से कनेक्शन करना भूल गए थे, डायरेक्ट यहाँ पे लाइट से ही कनेक्शन कर दिए थे, लेकिन अभी दिक्कत ये है कि हम लोग यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते हैं तो अब हमें ऐसे ही पूरा झेलना पड़ेगा जब तक कि लाइट वापस से नहीं आ जाती है। तो चलो यार कोई नहीं, ऐसे ही अपना चैलेंज जो है निकालते हैं।
अभी तो बहुत टाइम बचा है, बाकी यार रात हो जाएगी ना तब थोड़ा हमें सुकून मिलेगा, क्योंकि जो हमारा ये इग्लू है ना ये दिन में काफी ज्यादा गर्म हो जाता है और रात में जो है काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है। वो देखो वो बंदा जो है ना हमारे लिए लकड़ी ला रहा है, क्योंकि हम लोग तो इसे बाहर जा नहीं सकते हैं और हम लोग इसी के अंदर बनाने वाले हैं मैगी। तो यार हमारी लोग की जो आग है ना हम लोग सोचे नहीं यहाँ पर लगाएं, क्योंकि अगर इसके अंदर लगाएंगे ना तब यार इतना ज्यादा यहाँ पे स्मोक हो जाएगा, इतना ज्यादा यहाँ पे पूरा धुआं हो जाएगा कि हम लोग सांस भी नहीं ले पाएंगे। फिलहाल अभी कूलर हमने बंद कर दिया है क्योंकि यहाँ पे वीडियो में नॉइज बहुत ज्यादा आता। और अब चलो यहाँ पे हम लोग फटाफट से अपनी मैगी बनाते हैं और कुछ खाते हैं यार, क्योंकि भूख अब जो है ना काफी तगड़ी वाली यहाँ पे लगने लगी है, क्योंकि सुबह से हमने अभी तक कुछ नहीं खाया, सिर्फ और सिर्फ ये कुरकुरे, इसी समय बस काम चल रहा है। तो चलो फिर फटाफट से मैगी रेडी करते हैं। हवा ले रहे हैं बच्चों, अभी आप लोग यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हो कि अभी जो पूरे तरीके से रात हो चुकी है, यहाँ पे आपको बाहर जो है बिल्कुल भी नहीं दिखने वाला है, सिर्फ यहाँ पे एक दो लाइट ही दिखेंगी जो कि दूर सबके घरों में जल रही हैं। और यार जो हमारा यहाँ पे इग्लू है ना इसे भी हमने लाइटिंग करके अच्छे से डेकोरेट किया है और यार इसका भी लुक इतना मस्त लग रहा है, मैं आपको चलो फटाफट से दिखाता हूँ। 3, 2, 1 तो यार देखो यार आप लोगों को जो है हमारे इस इग्नू का लुक कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर से बता देना। बाकी यार मुझे तो बहुत ही ज्यादा मस्त लगा है, हमने यहाँ पे सारी लाइटिंग की है उसके अंदर से एक एक बल्ब पता नहीं कैसे जल नहीं रहे हैं यार, लगता है यहाँ पे इनको लगाने में कोई यहाँ पे वायर जो है डैमेज हो गया है, तो इस वजह से यहाँ पे आधी लाइटिंग जल ही नहीं रही, नहीं तो और भी मस्त लगता। और बाकी यार यहाँ पे टीवी तो है लेकिन कोई देखना ही नहीं चाहता है, पता नहीं का है, सब इसी में हमारे हैं, सब दीवाने हो गए हैं इसी में। तो यार इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मुश्किल भरा वाला काम है वो है इसके अंदर पूरा खाना बनाना, क्योंकि यार दोपहर में तो हम लोग यहाँ पे मैगी बना लिए थे लेकिन अभी यार यहाँ पे रात के लिए भी हमें खाना ही पे बनाना होगा। तो हम लोग सोच रहे हैं चलो यहाँ पे जो हम लोग जो चावल फ्राई होता है उसे ही बनाते हैं, जैसा बनेगा खा लेंगे यार, उतना ज़्यादा प्रोफेशनल तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, बस समझ लो यूँ पेट भर सकते हैं बस। तो चलो देखते हैं यार जैसा भी बनेगा कच्चा पक्का हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, अगर मस्त बन गया तो ठीक है, तो फिर जो भी बनेगा उसे खा कर और उसके बाद में सो जाएंगे। 15 अगस्त आने वाला ना गाइस, हमारे लोग आजादी के दिन है। लेकिन यार इसके अंदर क्या ही मस्त सॉन्ग जो है प्ले हो रहा है रेडियो FM के अंदर। हर सुनहरी अंबर नीला, वाह मजा आ गया सुनकर सामने, हर सुनहरी अंबर नीला ऐसा देश है मेरा, मजा आ गया ये देश है मेरा, मजा आ गया ऐसा देश है मेरा, देश है मेरा ऐसा देश है मेरा, घर घर
यार अभी हम लोग ने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि चलो फटाफट से जो भी खाना हमको बनाना होगा यहीं पर अपना सब कुछ बना लेते हैं और उसके बाद में जो है फटाफट से सोते हैं। ज़्यादा रात हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि यार सुबह से हम लोग जो है इस चैनल को स्टार्ट किए हैं तो यार यहाँ पे थकान भी हो गई है, तो चलो फटाफट से कुछ बनाते हैं और उसके लिए यहाँ पे जो है सारा काम भाई ने शुरू कर दिया है और मैं फटाफट से यहाँ पे आग जलाता हूँ। आलू काटने का 20 साल का एक्सपीरियंस है हमें। तो गाइस यार भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी है क्योंकि 11 बज गए हैं और हमारे लोग भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो अब खाना बन गया, चलो खाते हैं। टाइम यहाँ पे देख लो एक बार, मैं आपको यहाँ पे एक बार गूगल से भी दिखाता हूँ। 12 बज गए यार। हे गूगल व्हाट इज टाइम, तहड़ी बहुत लाजवाब बनी है। देख लो यहाँ पे 11 बज के 51 मिनट हो रहे हैं यार। फाइनली इतनी देर तक मेहनत करने के बाद में यहाँ पे हमारे लोग का खाना रेडी हो चुका है, तो देख लो सब लोग जो है अपनी अपनी प्लेट में यहाँ पे निकाल ली हैं और फटाफट से खाते हैं। बहुत बढ़िया स्वाद है। और जो हमारा चूल्हा था उसकी हालत देख लो अभी किस तरीके से, यहाँ पे पानी डाल के हमने आग को तो बुझा दिया है लेकिन यार अभी इसकी जो गर्माहट है ना वो पूरा चेहरे तक आ रही है। यहाँ पे सबका खाना पीना हो चुका है तो चलो यार फटाफट सारी चीजों को हम लोग एक जगह पर सेट करके और मस्त जो है यहाँ पे सोने का प्लेस एक अच्छा सा बना लेते हैं। तो यार अभी आप लोग यहाँ पे देखे तो सुबह के 7:20 हो गए हैं और हम तीनों लोग यार यहाँ पे सो गए थे और कोई उठे ही नहीं क्योंकि यार इतना ज्यादा नींद लगी थी कि यहाँ पे टाइम पे कोई उठ नहीं पाया। अलार्म सब कुछ लगा था लेकिन यार अलार्म बजे जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, सब सो गए थे और अब जाके यार यहाँ पे 20 मिनट पहले आँख खुली है और हमने जो सारा लाइटिंग वाइटिंग है ना सब कुछ यहाँ पे वापिस से समेट लिया है इसके अंदर। और बाकी यार अब यहाँ पे हमारे का चैलेंज भी कंप्लीट हो गया है तो आप फटाफट से घर चलते हैं। और बाकी यार यहाँ पे आओ मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये पता नहीं रात में किसका काम है यहाँ पे एक और छोटा सा छेद पता नहीं किसने कर दिया है और उसके बाद में यहाँ पे पूरा पानी भीग रहा है। अब ये जिसका काम हो ये नहीं पता है लेकिन कोई यहाँ पे कुछ तो किया है पक्का, क्योंकि यार करना भी चाहिए 24 घंटे तक यहाँ पे कोई बिना करे कैसे रह सकता है। तो समझ रहे हो आप, पक्का किसी का काम है, बस यही होगा। तो भाई लोग अभी यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, हम लोग जैसे यहाँ पे बाहर निकले ना हमको पता चला कि हमारी जो चप्पल है ना वो गायब हो चुकी है और एक चप्पल वहाँ दूर खेत में मिल रही है और एक चप्पल उधर साइड में। मैं आपको चलो एक बार बाहर से दिखाता हूँ। हमारा जूता गया, दोनों ले गए साले। हम था यार यहाँ पे रात को कोई जानवर आया था और अबे देख के यार भाई, और वो जो है हमारी लड़की चप्पल लेकर पता नहीं कहाँ भाग गया। और चैलेंज हमारे को कंप्लीट हो ही गया है तो अब बाहर निकल ही सकते हैं। भाई साहब मिली वो देखो हमारा कैमरा मैन लेकर आ रहा है, हमें मार रखो, इनका एक जूता गायब है यहाँ पे। अब मेरी करे, मेरी चप्पल तो यहाँ पे मिल गई है लेकिन इनका एक जूता जो है वो पता नहीं गायब हो गया है, अब पता नहीं निकल गए हैं कहीं ढूंढने। देखो कहीं खेत में होगा यार। और यार जब हम लोग रात में सो रहे थे ना तब यहाँ पे कुछ आवाज़ आ रही थी, मतलब जैसे लग रहा था कि हमारे इग्लू को कोई साइड से मतलब कि रगड़ रहा हो, लेकिन फिर हमने इग्नोर कर दिया, हमने सोचा शायद कूलर की आवाज़ हो क्योंकि हमारा कूलर भी आवाज़ कर रहा था, लेकिन पक्का वो कोई जानवर था जिसने हमारी चप्पलों का ये हाल कर दिया है। अपना इग्लू वहाँ है और उसके बाद में यहाँ पे एक मेरी चप्पल मिली और एक जूता मिला उधर साइड पे, और अभी जो है एक जूता ढूंढा जा रहा है, उसका कोई नामो निशान नहीं है खेत में। तो भाई लोग अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे घर, हमने सारा सामान जो है बाहर निकाल लिया है, बाकी कुछ सामान हमने अंदर ही छोड़ दिया है उसे बाद में निकालेंगे। और अभी चलते हैं यार घर क्योंकि अभी जो है ना यहाँ पे काफी ज्यादा हालत खराब हो गई है, अभी जाके नहाना पड़ेगा क्योंकि पूरी मिट्टी हर जगह पे हो गई है। अच्छे से बंद कर दो भाई, इस तरह नहीं यार। तो चलो यार हम लोग इसको जो अपना बंद कर लेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और हम आपको मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।